नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था कि कौन सी पार्टी एनडीए की बात कर रहा हूं मैं, कि एनडीए में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, अब ये साफ हो चुका है। पिछले दिनों स्पष्ट हो गया कि लोजपा 6 पर और भाजपा जेडीयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब जो सबसे बड़ा पेच इस पेच के सुलझने के बाद जो पेच फंस गया वो ये है कि किन 5 सांसदों का, भारतीय जनता पार्टी के किन 5 सांसदों का टिकट कटेगा, किन किन को टिकट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी पार्टी जो है लोजपा और जेडीयू, इसको कौन कौन सी सीट देगी। अब इन्हीं सभी मुद्दे को लेकर के कल देर रात अमित शाह की अध्यक्षता में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के निवास स्थान पर, अशोका रोड स्थित उनका निवास स्थान है, उस पर बैठक हुई। इस बैठक में बिहार भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं उन्होंने भाग लिया और भी कई भारतीय जनता पार्टी के आला नेता ने भाग लिया। इस बैठक से पहले एक और बैठक हुई, उस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने उस बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह थे जो भाजपा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राधा मोहन सिंह जो देश के कृषि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी शामिल वो भी शामिल हुए इस बैठक में। इस जो सांसदों के साथ बैठक होने से पहले जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक हुई, इसके साथ ही एक जो इस बैठक से बातें, अगर सूत्रों की माने, अगर खबरों के हवाले से जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसकी माने, तो इस बैठक से सबसे बड़ी बात जो बाहर निकल कर सामने आई वो ये है कि पटना साहिब से सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटना लगभग तय माना जा चुका है। जी हाँ, अब यह लगभग स्पष्ट हो चुका है कि पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के उम्मीदवार नहीं होंगे। इसके साथ ही दरभंगा के सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के प्रत्याशी नहीं होंगे। इस बैठक के बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है स्पष्ट हो चुका है। कल देर रात बैठक हुई, लगभग 11 बजे के आसपास का समय था जब यह बैठक हुई, और इस बैठक के बाद जो दो प्रमुख बातें निकलकर सामने आई वो ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद का टिकट कटना लगभग तय है। जाहिर है कि कीर्ति आजाद ने DDCA मामले को लेकर अरुण जेटली पर सवाल उठाया था, जिसके बाद से उनको पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, और शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी में रहकर भी कई बार बागी सुर अपनाते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लालू यादव से मिला है, कई बार वो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना करते, उनकी नीतियों की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी पर वो लगातार अप्रत्यक्ष रूप से ट्विटर के माध्यम से या तमाम सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, आलोचना उनकी करते रहते हैं। बिहार के लिए बात जनरल बात हुई है, जनरल बात करते भी हम लोग हैं, क्योंकि जीते हुए सांसद आपके ज्यादा हैं और सीटें कम हो गई हैं। नहीं, इससे कोई बात नहीं, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। क्या आने वाली जो लड़ाई है जीतना है, बस एक ही काम है कि कैसे हम लोग जीतेंगे, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, और हम लोग सब अच्छा काम प्रधानमंत्री किए हैं इसलिए उसका भी प्रचार करना चाहिए। कुछ तो सीट कटेगी ना, सीटिंग कटेगी उतना तो उसका लिए फिर उसका इंतजाम होगा, और एक ही इलेक्शन में थोड़े खत्म होगा, और भी तो इलेक्शन होगा, तो जो कटेगी उसको आगे एडजस्ट करेंगे। पब्लिक में जाना है और इतना काम हम लोग 5 साल से प्रधानमंत्री किए हैं, सब लोग किए हैं, उसका प्रचार करना। इसके साथ ही और जो महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई वो है मुंगेर लोकसभा सीट। आपको पता ही है कि किस तरीके से मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर के एनडीए के प्रत्याशियों में ही सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया आपस के, दोनों लोजपा और जेडीयू एक अलग अलग दावा ठोक रही है कि जेडीयू के प्रत्याशी बोल रहे हैं कि नेता बोल रहे हैं वो लड़ेंगे चुनाव, लोजपा वाले बोल रहे हैं वो लड़ेंगे चुनाव। इसके साथ ही बेगूसराय का जो सीट है, बेगूसराय से जो सांसद है उनका निधन हो गया था, इस सीट पर भी सस्पेंस बना हुआ है कि इसको जेडीयू को दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अमित शाह ने तमाम जो सांसद इस बैठक में उपस्थित थे, कीर्ति झा आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा जो सांसद यहां पर इस बैठक में शामिल हुए, उन सभी सांसदों से अपने क्षेत्र का फीडबैक मांगा है। इसके साथ इस बैठक में तमाम सांसदों से इस बात पर भी चर्चा हुई कि कौन सी सीट जो है सहयोगी पार्टी को दी जाए, कौन सी लोजपा के लिए छोड़ा जाए, कौन सी सीट जेडीयू के लिए छोड़ा जाए। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो पेंच फंसा हुआ और किन 5 सांसदों का टिकट कटेगा ये बात निकलकर तो सामने फिलहाल नहीं आ रही है, लेकिन अमित शाह ने एक तरीके से फीडबैक मांगा है सभी सांसदों से कि उनके क्षेत्र में क्या रिस्पॉन्स है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, सरकार के कार्यों को लेकर के, नीतियों को लेकर के, और सांसद जो खुद स्थानीय सांसद है उनके कामों का क्या फीडबैक है इसको लेकर के भी, क्या रिस्पॉन्स है इसको लेकर के भी अमित शाह ने तमाम सांसदों से फीडबैक मांगा है। तो कल देर रात यह बैठक हुई, शाम तक ऐसी खबर थी कि यह बैठक नहीं होगी क्योंकि कल
ट्रिपल तलाक पर बहस था, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बहस था, लेकिन देर रात ये अमित शाह के नेतृत्व में अध्यक्षता में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, जो अशोका रोड स्थित उनका निवास स्थान है, वहाँ उस निवास स्थान पर भी ये बैठक हुई। तमाम सांसदों ने, बिहार से जितने भी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, हिस्सा लिया। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है, कोई पॉलिटिकल हलचल होती है, तो हम सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।